देखिए, मैंने ना देखा है थेरेपी में कि कई लोग बोलते हैं कि अरे ये शादी नहीं चल रही तो डिवोर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो ये बोलने के लिए बोल देते हैं, जस्ट टू हर्ट द पार्टनर और इन एंगर, यू नो, जस्ट टू। बट डिवोर्स और थ्रेटनिंग लीव द मैरिज, जिसको हम अल्टीमेटम बोलते हैं ना, गिविंग अल्टीमेटम्स टू माई पार्टनर, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रस्ट। ओ हाँ जी, सो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अब्यूज। You are threatening your partner, I will leave. Okay? लेकिन डिवोर्स क्यों होता है? हम जब एक डिवोर्स कपल को देखते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, अरे क्या हुआ, शादी क्यों नहीं, अरे मेरा डिवोर्स हो गया, अरे क्या हो गया? तो कहते हैं, अरे यार शादी नहीं चली, वो ये करता था, ये करती थी, ये शराब पीता था, ये मायके जाती थी, इन लॉज इंटरफेरेंस थी, ये था, ब्ला 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 था। थेरेपी करी थी क्या? हाँ हाँ थेरेपी करी यार, यार अच्छा नहीं था, बहुत काम कराते थे या बिल्कुल काम नहीं कराते थे, जो भी था। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मैंने शादी में काम नहीं किया, कोई ये नहीं बोलता कि आई वॉज अ पर्सन बिकॉज ऑफ दिस मैरिज ब्रोक ऑल्सो, बिकॉज इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप ना, कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट। तो इट इज ऑलवेज इजी टू पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, स्पेशली व्हेन द अदर पर्सन इज नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्फ्स। शादी अगर दूसरे की वजह से टूटी है तो आपकी वजह से भी टूटी है, तो वो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, अरे वी आर नॉट कंपैटिबल, कोई भी कंपैटिबल नहीं होता शादी करने के लिए। कंपैटिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है, रिलेशनशिप पे जान देनी पड़ती है, तब जाके रिश्ते बनते हैं। अरे हाँ, झुकना पड़ता है अपने आप को, यू नो, यू हैव टू स्वॉलो द प्राइड एंड लर्न टू सिट इन डिस्कम्फर्ट फॉर मेनी मेनी टाइम्स, फॉर मेनी मेनी मंथ्स और ईयर्स, तब जाके रिश्ता बनता है। बोथ साइड्स, मैं ये औरत के लिए नहीं कह रही, मैं ये आदमी के लिए नहीं, दोनों को एक टाइम पे ये काम करना पड़ता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि पहले वो करेगा तो मैं सोचूं कि मुझे करना है कि नहीं, और वाइस वर्सा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क देन। हर बार झुकना पड़ेगा, yes. दोनों को बिल्कुल, क्योंकि रिश्ता इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने इस इंसान से शादी करी थी क्योंकि इसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज थी जो मुझे निभानी, जो मुझे अच्छी रहेगी, जिसके कारण मैंने शादी करी, और मुझे वो शादी में जो क्वालिटीज के लिए मुझे ये रिश्ता निभाना है, क्योंकि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ।